पासपोर्ट मैंडेटरी है, पासपोर्ट के साथ ही हमको एंट्री अक्षरों से लिखा हुआ है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा से। तो अभी जो है मैं कोलकाता में हूँ, बाकी कोलकाता में कब आई कैसे आई वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जो आज मैंने आपने जब हमने देख के आपने जान ही लिया होगा, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ बांग्लादेश का। जो मैंने वीज़ा तो ले लिया था, वीज़े का वीडियो भी मैंने डाल रखा है। तो अभी जो है मैं टिकट लेने के लिए जा रही हूँ मैत्री एक्सप्रेस का। तो अभी मैं हॉस्टल में हूँ, तो अभी थोड़ी बारिश हो रही थी तो रुक गए थे हम लोग, मैं रुक गई थी एक्चुअली। तो अभी मैं देखती हूँ उसको, जितना भी जेरॉक्स कॉपी है वो करवा के फिर निकलते हैं टिकट के लिए, टिकट लेंगे ट्रेन की, देखते हैं कब की मिलती है। सारा डिटेल मैं आपको वहीं पर जाकर प्रोवाइड करूँगी, प्राइस एंड ऑल। तो चलिए चलते हैं पहले। ये ना जेरॉक्स आप कर दो मेरा कुछ पेपर्स। ये पासपोर्ट का फ्रंट एंड लास्ट, इसके बाद एक वीज़ा का होगा वो। हाँ फ्रंट एंड बैक दोनों। एक वहाँ पे वीज़ा होगा, आप मुझे पासपोर्ट दे दो, मैं बताती हूँ कौन सा वीज़ा है आपको करना है। ये वीज़ा का ये कर दो। देखते वो पता किया था, बट वहाँ खाने पीने की थोड़ी दिक्कत हो रही थी ना, वो रोजे की वजह से दिन भर। तो हाँ तो एक दोस्त था, वही बताया कि अभी तो खाने पीने की प्रॉब्लम होगी। हाँ तो सोचा कि चलो अभी ईद के बाद ही कर लेते सिक्स सेवन मैंने सारा करवा लिया है जेरॉक्स को। तो जो हॉस्टल में जैसा एज यूजुअल बाहर रखना पड़ता है, तो वो मैं शूज़ अपना पहन लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं। बारिश भी कम हो गई है। गाइस तो मेरा जो भी था जेरॉक्स का सारा कुछ मैंने कर लिया है। अभी बारिश भी हो रही है थोड़ी बहुत, तो देखते हैं कैसा क्या होता है मेरा। और निकलते हैं अभी, साइड साइड से बच के निकलना पड़ेगा क्योंकि। और जो है मैंने सारा पेपर्स तो ले लिया, बाकी वहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी पेपर्स मुझे लगेंगे वो सारा मैं डिटेल आपको वहीं पर जाके बताऊँगी। बाकी जितना मैंने रिसर्च किया था उसके हिसाब से तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ले लिए हैं। और चलते हैं, आपको कहाँ से मिलेगी जो ढाका की टिकट है मैत्री एक्सप्रेस की, वो आपको मैं बताऊंगी। क्योंकि जो है दो तीन जगह हैं, तो मैं सारा डिटेल है मैं आपको दे दूंगी। तो अभी मैं बारिश हो रही तो अपना कैमरा रखती हूँ, डायरेक्ट मैं मिलती हूँ आपको वहाँ। तो गाइज मुझे ना हावड़े के लिए बस लेना है, मैं पूछती हूँ कहाँ से मुझे मिलेगा हावड़ा की ये बस। ये सब तो मैं पूछती हूँ, बाबू घाट भी चलेगा मुझे, मैं एक बार पूछ लेती हूँ। बाबू घाट तो बस मिल गई है बाबूघाट के लिए। बाबूघाट ये कुछ इस तरह का बस है, बाकी क्या है टिकट का वो तो टिकट वाला आएगा तभी पता चल पाएगा।
तो मिलते हैं आपको वहाँ पर डायरेक्ट बाबू घाट में। गाइस तो है ये ईडन गार्डन का जो स्टेडियम है, कल मैच था यहाँ पे केकेआर का। ये केकेआर का यहाँ पे सारा पोस्टर लगा रखा है, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रखा होम ऑफ द के नाइट राइड। तो आप देख सकते हो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। तो ये बाबू घाट के जस्ट बगल में है, तो हम अब मैं जो है बाबू घाट अब पहुँचने वाली हूँ। बाबू घाट से लगभग बगल में ही है जो आप टिकट जहाँ से लोगे, जो रेलवे इंडियन रेलवे का जो हेड है, हेड ऑफिस वहाँ पे। तो अब मैं वहाँ पे जाके ही आपको जो प्रॉपर एड्रेस है वो मैं आपको बताऊँगी। अब मैं उतरने वाली हूँ, 2-3 मिनट में मैं उतर जाऊँगी बस से, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाबू घाट हम लोग आ गए हैं। मैं बाबू घाट जो है ये बस स्टॉप है। आपको यहाँ पे जो बसेस जो है अदर स्टेट की, जो कोलकाता की नियर स्टेट है लाइक झारखंड, उड़ीसा, बिहार, तो यहाँ से आपको ये बसेस मिल जाएंगी। आप देख सकते हो उधर बसेस भी लगी हुई है, कटक ये उड़ीसा की बस लगी हुई है। ये हुगली रिवर रहा हो रहा, हुगली रिवर के उस साइड जाओगे तो आपको हावड़ा स्टेशन मिल जाएगा। बाकी आगे उतर के थोड़ा वॉकिंग उधर जाओ ना, उतर गए बस से। अब थोड़ा मैप वगैरह देखना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ किधर से जाना है। वो नज़दीक में है, आप बाबू घाट से भी आ सकते हो, या फिर अगर आपको बस पता हो तो आप बस से भी आ सकते हो। जो लोकल्स हैं उनको तो बस पता ही होगा, तो वो आ सकते हैं फैली प्लेस में। बाकी जो नए हैं उनके लिए सबसे बेस्ट जो होगा वो हावड़ा आ जाओ, हावड़ा से फेरी ले लो बाबू घाट की। बाबू घाट में जब आप निकलोगे तो निकलने के बाद थोड़ा सा पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जैक्ट मैं वीडियो में लोकेशन आपको दिखाऊंगी भी तो समझ नहीं आएगा। तो आपको जो है थोड़ा पूछते आगे चल के जाना पड़ेगा। ईस्टर्न रेलवे का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आपको जो है टिकट मिल जाएगी। बाकी आपको कोलकाता स्टेशन से भी मिलती है, लेकिन उसकी जो टाइमिंग होती है, जो कि टाइमिंग मैं आपको मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं कि मैं आपको बता सकूँ। तो ईस्टर्न रेलवे का हेड ऑफिस आओगे तो आपको सुबह 10 बजे से आपको मिल जाएगा। कौन से दिन में चलती है, कौन से दिन की सीट अवेलेबल है, कितना प्राइस और कितने क्लासेस होते हैं ट्रेन की जो मैत्री एक्सप्रेस है। तो अभी जस्ट पहुंच के अंदर जाती हूँ मैं और देखती हूँ। ये शायद लग रहा है मुझे बिल्डिंग, एक को मैंने पूछा था वहाँ पे जो ट्रैफिक वाले थे, उन्होंने बताया था उस ट्रैफिक लाइट के पास है। तो चलते हैं पहले वहाँ पे ट्रैफिक लाइट के पास, उसके बाद वहाँ पे पूछते हैं। थोड़ा चलना पड़ेगा, जो बाबूघाट का फेरी वाला जहाँ से आप निकलोगे ना, तो थोड़ा सा चलना पड़ेगा, मतलब वही 1 किलोमीटर के लगभग, 900 मीटर्स या फिर 1 किलोमीटर्स के लगभग लगभग आपको थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है। तो वहाँ पर आपको आराम से मिल सकते हो, जाके पता करते अगर सीट एबिलिटीज होगी तो मैं ले लूँगी टिकट।
और अगर नहीं होगी तो फिर वही क्या करना पड़ेगा लोकल ट्रेन से, जो एज यूजल जो जाते हैं लोग, जैसे थंबनेल डालते हैं 70 रुपीज़ में बांग्लादेश, तो उस टाइप का कुछ करना पड़ेगा। बाकी अगर ये मिल जाएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आराम से पहुंच जाएंगे हम। थोड़ा और पूछना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी कंफ्यूजन हो रही है मुझे ये ट्रैफिक लाइट के पास। इससे पूछूँ मैं, ट्रैफिक वाले से ही पूछना सही रहेगा, क्योंकि लोग कुछ दुकान वालों से पूछो तो वो लोग जल्दी जवाब भी नहीं देते, तो मैं पूछती हूँ ट्रैफिक वाले से। दादा इधर से जाना होगा, टिकट लेना, ये स्टील यहाँ खत्म हो गया, ले ये जी स्टील खत्म हो गया। ओके, तो ये इंस्टेंट रेलवे का ऑफिस है, हेड ऑफिस कोलकाता का, जो कि आपको फेरी प्लेस में है, फेरी लेस प्लेस में है। एक्चुअल में नाम प्रनाउंस नहीं हो पा रहा तो मैं लिख दूंगी। बाकी ये इंस्टेंट पूर्व रेलवे, आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर ऑथराइज ऑफिस, ये रहा कोयला घाट, न्यू कोयला घाट। आप देख सकते हो ऑफिस का नाम बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है। ये अंदर है, बाकी अंदर थोड़ा बहुत अगर रिकॉर्डिंग नहीं करने रिकॉर्डिंग होता है नहीं होता वो मैं अंदर जाके पता करूँगी। बाकी मैं अभी जो है कैमरा ऑफ कर देती हूँ, बाकी अंदर जाके मैं देखती हूँ, अगर ऑन करना होगा तो मैं ऑन करती हूँ और पता करती हूँ सारा। तो ये है, ये जो है पूर्व रेलवे आरक्षण केंद्र, यहाँ पे विदेशी पर्यटक केंद्र है जो कि टूरिस्ट लोगों के लिए यहाँ पे कटती है। वो वहाँ जब मैं गई थी वहाँ पे बोला कि आप जो इंटरनेशनल टिकट जहाँ पे कटती है वहाँ पे जाना होगा, तो ये है इंटरनेशनल टिकट का काउंटर। तो यहाँ से आपको जाना होगा अंदर, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है एंट्री पासपोर्ट मैंडेटरी है, पासपोर्ट के साथ ही आपको एंट्री मिलेगी यहाँ पे। कोलकाता टू ढाका, मंडे वेडनेसडे सैटरडे एंड ट्यूजडे फ्राइडे ढाका टू कोलकाता, ये नंबर है। बाकी मैं प्राइस एक बार पता कर लेती हूँ प्राइस का क्या है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ सारा डिटेल। आप बाकी रहा बात, तो अभी ड्यू टू ईद उल फित्र 27 तारीख तक जो ट्रेनें हैं माइथिली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, वो बंद है, कैंसिल है। तो अफसोस की मैं टिकट नहीं ले पाई, मैं जो माइथिली एक्सप्रेस से जो मेरा जाने का था वो मैं जा नहीं पाऊँगी। बाकी मैं जो है वही लैंड बॉर्डर क्रॉस करूँगी, बेनापोल पेट्रापोल वाला, उसके बाद मैं क्रॉस करूँगी बांग्लादेश के लिए जाऊँगी। उसके बाद उधर से आते वक्त मैं देखती हूँ कि मुझे ट्रेन मिलती है तो मैं आते वक्त जो बांग्लादेश से जब रिटर्न होंगी तो मैं उस माइथिली एक्सप्रेस में टिकट वहीं से ले लूँगी ढाका से। बाकी जो अभी जो अफसोस है कि मुझे मिल नहीं पाया, बाकी अगर आपको मैं सारा जो प्राइस है वो आपको सारा मेंशन कर दूंगी मैं, कि कहाँ से आपको कितनी टिकट प्राइस पड़ेगी, कौन से क्लास, सारा क्लास का मैं मेंशन कर दूंगी। बाकी आज जो है आज के लिए ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा कोलकाता टू बांग्लादेश का होगा ढाका का, तो वो वीडियो में भी आप बने रहिएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।